हरे कृष्णा, आज का टॉपिक है थायराइड प्लस पिगमेंटेशन। तो जिन लोगों के हार्मोन डिस्टर्ब रहते हैं, आप लोगों को नहीं पता कि आपके हार्मोन डिस्टर्ब है कि नहीं है, तो आज के टॉपिक में हमारे दो टॉपिक बड़े इजीली कवर हो जाएंगे। एक तो फीमेल्स के लिए या फिर मेल्स के लिए जिनके हार्मोन डिस्टर्ब रहते हैं और उसकी वजह से उनको पीरियड ठीक से नहीं होते हैं, पिगमेंटेशन उनको होता है, और जिन लोगों को थायराइड की समस्या है, आज ये दोनों टॉपिक इसी वीडियो के अंदर कवर हो जाएंगे। इसलिए बहुत आवश्यक है वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना कि आपको इन्फॉर्मेशन इस तरह की मिलती रहे, क्योंकि हार्मोन डिस्टर्बेंस के ऊपर मैं आगे और भी वीडियो बनाऊंगा कि अपने घर पे बैठे आप हार्मोन्स कैसे ठीक कर सकते हैं। ये वीडियो जो मुख्यतः है ये है आपके थायराइड के लिए, ठीक है, और इसमें थोड़ा सा आपके पीरियड के, मेंसेस के भी हार्मोन्स आपके रिकवर हो जाएंगे इसमें, ठीक है। तो बहुत से लोगों को ये समस्या है कि डॉक्टर साहब थायराइड हो गया है, अब पिगमेंटेशन भी हम क्या करें, थायराइड के लिए तो हम 50 mg या 100 mg टेबलेट ले रहे हैं। और मैं उनसे ये कहता हूँ कि जब तक आपकी थायराइड की ग्रंथि अपने नॉर्मल फंक्शन में नहीं आएगी वो तब तक आपका पिगमेंटेशन ठीक नहीं हो सकता। अब इसका क्या कारण है, अब हार्मोन्स आपके डिस्टर्बेंस है और पिगमेंटेशन आपको है, पिगमेंटेशन ठीक नहीं हो सकता जब तक आपके हार्मोन्स आपके बैलेंस नहीं होंगे। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, हार्मोन्स बैलेंस करने के लिए एलोपैथी डॉक्टर एलोपैथी मेडिसिन देते हैं जो कि इमरजेंसी के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन क्या सारी उम्र उसको लेना कोई औचित्य का सवाल है, मतलब कोई औचित्य है सारी उम्र उसको लेना, नहीं, सारी उम्र नहीं लेना चाहिए उसको। तो फिर हम कैसे अपनी पिगमेंटेशन को ठीक कर सकते हैं और थायराइड को ठीक कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये तो डॉक्टर साहब हैं तो अपनी मेडिसिन की तारीफ करेंगे, नहीं, मेडिसिन का जिक्र तो मैं करूंगा सबसे बाद में, ठीक है, मेडिसिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इस चीज में, जितना इंपॉर्टेंट है आपकी दिनचर्या। तो मैंने यहाँ पर एक पेशेंट की क्लिप भी रिकॉर्ड किया था जो कि मैं फिर कभी आपको सुनाऊंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी दिनचर्या कि आपके दिनचर्या सही हो और आपका थायराइड ठीक हो जाए, क्योंकि जब तक आपकी दिनचर्या सही नहीं होगी आप ना ही अपने थायराइड को ठीक कर सकते हैं ना ही अपने पिगमेंटेशन को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए हम यहां से शुरुआत करते हैं कि आपकी दिनचर्या कैसे हो। सबसे पहले मैंने आपको याद है मैंने आपको तीन तरह के मतलब आपको जूस बताया था जिसमें मैंने तीन चार चीजें बताई थी। सबसे पहले बताया था आपको 5 पत्ते नीम के, 10 से 15 पत्ते धनिया के, 10 से 15 पत्ते पुदीने के, और उसमें मैंने आपको बताया था 1 नींबू और स्वाद के अनुसार काला नमक। इंस्टाग्राम पर मैंने ये वीडियो शेयर किया था और उसमें कई लोगों ने कहा कि ये जूस पीने से, ये स्मूदी पीने से हमारा पिगमेंटेशन भी चला गया और साथ में हमारी स्किन भी सुपर शाइनिंग आ गई है और तीसरी चीज हमारे पिंपल्स भी चले गए। तो सबसे पहली चीज तो ये, कई लोगों ने ये कहा कि डॉक्टर साहब हमारे पीरियड रेगुलर हो गए इसको लेने के बाद में, ये भी कहा। और एक महिला ने तो इंस्टाग्राम पे मुझे ये कमेंट किया कि डॉक्टर साहब आपके जूस से मेरी थायराइड की समस्या ठीक हो गई, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी। तो थायराइड के लिए आपको क्या करना है, तो जितने भी लोगों को थायराइड है और जितने भी लोगों को हार्मोन्स डिसबैलेंस है, यानी कि आप सभी लोग, आप में से सभी लोग ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है आपको, देखिए आपको पर डे 100 पत्ते लेने हैं धनिया के 100 पत्ते आपको लेने हैं उसकी डंडी सहित। अब जैसे 40 पत्ते आप ले लीजिए सुबह सुबह उसकी डंडी सहित, उसको ग्राइंड कर लीजिए, ग्राइंड करने के बाद में उसमें पानी मिला लीजिए और पानी मिला के उसको छान लीजिए और छान के उसको पी लेना है आपको सुबह सुबह चाय की जगह। सबसे मुख्य चीज आपने ये करनी है। दूसरा, वो जो पत्ते बचते हैं उसकी चटनी बना लीजिए, और वो जो 60 पत्ते अभी पेंडिंग रहते हैं आपके उनकी चटनी बना के आप खाइए दोपहर को और रात को। स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी ने भी ये कहा था कि अगर किसी को थायराइड है तो सबसे बढ़िया उसका इलाज ये है धनिया पत्ता, यानी कि धनिया के पत्ते आप खाइए और उसको आप यूज कीजिए। मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है कि जब लोग धनिया के पत्ता का सेवन करते हैं और लगभग 50 से 100 पत्ते, अगर जिनको थायराइड है उनको 100 पत्ते, जिनके हार्मोन्स डिसबैलेंस है उनको 50 से 100 पत्ते, यानी वो भी 100 पत्ते ले सकते हैं। तो जिनको थायराइड की समस्या है वो सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम उनको धनिया पीना है, सुबह तो जूस के रूप में, बाकी चटनी के रूप में, ठीक है। और जिनको हार्मोन्स डिसबैलेंस है कि पीरियड खुल के नहीं होते हैं या पिगमेंटेशन है चेहरे पर, तो वो लोग भी धनिया को ले सकते हैं क्या, लेना ही है। अगर नहीं मिल रहा मार्केट में तो गमले लाके लगा लीजिए, घर पे उगा लीजिए आप उसको, ठीक है ना। अब इसके आगे आपको क्या करना है, इसके आगे धनिया तो आपका हो गया, फिर आती है आपकी दिनचर्या। दिनचर्या में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सुबह उठ के आप फ्रेश हो जाइए, फ्रेश होने के बाद में आप 1 घंटा आपको वॉक करनी है। ध्यान रखिए वॉक के बिना काम नहीं चलेगा आपका। अगर आप किसी के पास में समय नहीं है तो केवल वो श्वास वाली एक्सरसाइज करके काम चला सकता है, लेकिन अगर श्वास वाली एक्सरसाइज भी करता है और वो 1 या 1.25 घंटा वॉक भी करता है, यानी कि लगभग 75 मिनट्स अगर वो वॉक करता है, ठीक है, नॉर्मल मजे के साथ वो वॉक कर रहा है, एंजॉय करके वो वॉक कर रहा है, ऐसा नहीं कि डॉक्टर साहब ने बताया 75 मिनट वॉक करना है रोते रोते वॉक कर रहे हैं आपके, नहीं डॉक्टर साहब ने बता दिया है ऐसे ही ठीक होंगे रोते रोते वॉक कर रहे हैं, नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर आप आधा घंटा वॉक कर रहे हैं और आधा घंटा एंजॉय कर रहे हैं उसको, झूमते झूमते चल रहे हैं आप, तो उस तरीके से आपको वॉक करनी है। और आधा घंटे के बाद में अगर आपको स्ट्रेस पड़ रहा है शरीर पर, अगर आपका मन नहीं कर रहा वॉक करने का, तो आपने नहीं करना, ठीक है। वैसे तो 1.25 घंटा एक आइडियल समय है वॉक करने का, तो 1.25 घंटा जो वॉक करते हैं उनका
चाहे थायराइड हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे शुगर हो, या चाहे शरीर के अंदर कोई ट्यूमर हो, सारी की सारी चीज़ें डिजोल्व हो जाती हैं शरीर के अंदर उनके। ठीक है, शुगर गोली छोड़नी पड़ जाती है 3-4 दिन के बाद में, क्योंकि शुगर लेवल गोली खाते रहे तो वो नॉर्मल से नीचे आ जाएगी आपकी। तो 1.25 घंटे आपको वॉक जरूर करनी है सुबह सुबह, उसके बाद में वो जूस पी लेना जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब रात को भी आपने सोते हुए 1.25 घंटे वॉक करनी है, और आपके पास में समय है तो योग कर लीजिए, थोड़ा सा ध्यान लगा लीजिए आप। ये बहुत मुख्य चीज़ है थायराइड पेशेंट के लिए। अब इसमें सबसे मुख्य चीज़ क्या आती है जो कि आप लोग नहीं कर सकते हैं, आप में से कई लोग सोचेंगे पता नहीं डॉक्टर साहब ने क्या बता दिया, और आप में से बहुत से लोग उसको करेंगे भी नहीं, लेकिन जो लोग बाकी में परेशान है वो इस चीज़ को करेंगे। और ये चीज़ पिगमेंटेशन में बहुत लाभदायक है, डायबिटीज़ में भी बहुत लाभदायक है, ब्लड प्रेशर में भी बहुत लाभदायक है, आपके माइग्रेन में भी बहुत लाभदायक है, और पिगमेंटेशन तो इससे बहुत सुपर फास्ट तरीके से जाएगा, और थायराइड के लिए तो अमृत का समान है बिल्कुल। ये हो गया अनीमा लगाना। अब आप बोलेंगे कि अनीमा क्या चीज़ होती है, आप में से कई लोगों ने देखा होगा कि अनीमा क्या चीज़ होती है। उसमें क्या होता है अनीमा में, कि हमें अपने गट को साफ करना होता है, हमारे पेट के अंदर गंदगी जमा होती है। जैसे आपने देखा है ना कि जो पोटी का जो पाइप होता है जहां से वो वेस्टेज जा रही होती है, जो नाली होती है, नाली के अंदर पानी लगातार चलता रहता है फिर भी उसके अंदर कितनी गंदगी होती है, चिपक जाती है चारों तरफ से, ऐसे ही हमारा गट सिस्टम है। ठीक है, गट सिस्टम में हम डेली फ्रेश होते हैं बट गंदगी चिपकी हुई होती है हमारे शरीर के अंदर, जिससे हमारे शरीर के अंदर लगातार टॉक्सिन पैदा होता रहता था, उसको साफ करना। अनीमा एक ऐसा प्रोसेस है कि आप अपने गट के अंदर पानी डालते हैं और पानी डालने के बाद में उसको क्लीन करते हैं, वो ऑटोमेटिक निकल जाता है। ठीक है, तो महीने में 21 दिन लगातार 3 महीने अगर आप ये काम करेंगे, यानी कि 63 डेज, यानी 3 महीने में 63 डेज चाहिए हमें अनीमा के काम करने के लिए। अब यकीन मानिए 90 दिन, केवल 90 दिन में आपकी काया पलट हो जाएगी पूरी की पूरी, अगर आपने ये सिस्टम फॉलो कर लिया जो मैंने आपको बताया। आपको पिगमेंटेशन भी है तो भी, थायराइड है तो भी, शुगर है तो भी, ब्लड प्रेशर है तो भी, आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। और साथ में जिन लोगों को कैंसर भी है ना, अगर वो भी ये चीज़ फॉलो करते हैं, शेयर कर देना उन लोगों को वीडियो, तो अगर वो लोग भी ये फॉलो करते हैं तो उनका भी पूरा का पूरा काया पलट हो जाएगा 3 महीने के अंदर। 90 डेज चैलेंज के आप में रूप में ले लीजिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको बता दिया, धनिया पीना सुबह सुबह क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट होता है धनिया, और ये जो अनीमा लगाना, अनीमा आप लगाइए। ठीक है, अनीमा के लिए वीडियो मैं अलग से अपलोड करूँगा, अनीमा क्या चीज़ है, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके रात का खाना, कि रात को खाना कब खाएं। रात में खाना 6 से 6:30 के बीच में आप खा लीजिए, 6:30 के बाद में कुछ नहीं खाना, केवल आप पानी पी सकते हो 6:30 के बाद में, अदरवाइज तो कुछ नहीं खा रहा। और उन चीज़ों से बच के रहना है जो कि आपके परेशानी को बढ़ाते हैं, जैसे कि चीनी हो गई, मैदा हो गई, बिस्किट हो गए। ठीक है, इन चीज़ों से बच के रहना है, नॉनवेज हो गया टोटली बंद कर देना आपको ये सब चीज़ें। तो इस तरीके से आप देखिएगा आपके शरीर के अंदर कितने अच्छे चेंजेस आते हैं, पिगमेंटेशन तो ऐसे चली जाएगी आपकी अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करते हैं, थायराइड की समस्या चली जाएगी, माइग्रेन चला जाएगा आपका, हार्मोन डिसबैलेंस चला जाएगा आपका। 3 महीने आप इसको कीजिए। ठीक है, और फिर जब आपके शरीर में सारी की सारी चीज़ें जानी शुरू हो जाएं, फिर नंबर आता है आपके मेडिसिन का। अगर आपका शरीर इस काबिल नहीं है कि वो खुद को खुद ठीक कर ले, तब थोड़ी सी मेडिसिन की हेल्प की आपको आवश्यकता पड़ती है। अदरवाइज तो आप में से अगर 100 लोग इसको फॉलो करेंगे तो 100 में से 80 लोग तो बिना मेडिसिन के ठीक हो जाएंगे आप लोग। तो ये बात मेरी अवश्य फॉलो कीजिएगा, ये आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जो मैंने आपको बताई है, इसमें कई सारी बीमारियाँ एक साथ ठीक होती हैं। तो अगर घर में किसी को थायराइड है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को कैंसर है, किसी को माइग्रेन है, किसी को फैटी लीवर है, ये जो रूटीन मैंने आपको बताया है इसको आप जरूर फॉलो करवाइए, 101% 3 महीने के अंदर आपके काया पलट हो जाएगी पूरी की पूरी। ठीक है, और पिगमेंटेशन तो सुपर फास्ट आपका ठीक होगा ही होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है, आगे मैं आपको गाइड करता रहूंगा, अगर मैं कोई चीज़ मिस कर दिया होगा तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा उसको। ठीक है, तो चलिए मैं आपको फिर से किसी वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए परमात्मा आप सभी लोगों का भला करे और आप हमेशा स्वस्थ रहें, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ, परमात्मा सभी का भला करे।